ठीक है। तो सीरीज हमने ये पढ़ा था कि दीज आर वन डायमेंशन एरे विथ लेबल एक्सेस, है ना, विथ न्यूमेरिकल एक्सेस इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं, या यू कैन गिव लेबलिंग इंडेक्सिंग्स, राइट। ओके, तो व्हाट आर डेटा फ्रेम्स? कल हमने पढ़ा था कि ये 2D डायमेंशन के होते हैं, है ना। तो डेटा फ्रेम्स आर द वर्क हाउस ऑफ पांडास, एंड आपने अगर आर लैंग्वेज का नाम सुना है तो दीज आर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू जस्ट गो विथ वर्किंग अप ऑल द डेटा सेट्स एंड डेटा फ्रेम्स ओनली। ओके, सो वी कैन थिंक ऑफ अ डेटा फ्रेम लाइक एज अ बंच ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स पुट टुगेदर टू शेयर सम इंडेक्स ऑफ द सेम इंडेक्स, यू कैन से। ओके, तो क्या कहा मैंने कि सेम सीरीज, सॉरी, सेम कुछ कॉलम्स या कुछ बंच ऑफ सीरीज को कंबाइन करोगे तो एक क्या फॉर्म होगा? डेटा फ्रेम। ओके, तो एक्सप्लोर करते हैं डेटा फ्रेम को। तो इन शॉर्ट, कल जो पढ़ा आपने कि 2D डायमेंशन का होता है, राइट, तो वी कैन डिफाइन इट एज कि वी कैन से दैट वी कैन थिंक ऑफ अ डेटा फ्रेम एज अ बंच ऑफ सीरीज पुट टुगेदर शेयर द सेम इंडेक्स। ठीक है, चल आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो अगेन विल रिक्वायर नंपाई से, ये सबको पता होगा कि अगर इफ आई यूज ए बी कुछ इस तरह का यूज करते हैं अगर, और स्प्लिट फैक्टर यूज करते हैं, तो गेट अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, राइट, आगे हम यूज करने वाले होंगे। तो डीएफ ऑफ डेटा फ्रेम का पैरामीटर्स इज अगेन सिमिलर, राइट। तो व्हाट विल यूज, हम अभी रैंडम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स से राइट फ्रॉम एनपी डॉट, ओके, प्रेस योर टैब, ओके, एनपी डॉट टैब प्रेस करेंगे, रैंडम डॉट रैंडम, या फ्रॉम एनपी डॉट रैंडम मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो, नो मॉड्यूल फाउंड नेम्ड एमपी। तो डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी डॉट pd dot a data frame, ठीक है। अभी यू हैव टू गिव योर डेटा, व्हाट एग्जैक्टली योर डेटा इज, राइट। तो अभी मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि रैंडम ऑफ 5, दैट मींस 5 रैंडम नंबर्स। अब से 5 लिखोगे तो यू विल गेट अ सीरीज, राइट, बिकॉज़ वन डायमेंशन एरे विल बी फॉर्म विद रैंडम रैंडम नंबर्स। सो वी आर टेकिंग 5 क्रॉस 4 फॉर 5 रोज एंड 4 कॉलम्स, ओके, एंड इंडेक्स अगेन will write like a b c d e. why 5? because we know that we'll be having 5 rows, so I'm taking 5 labels for that. एंड देयर वुड बी कॉलम्स, कल हमने देखा था कि कॉलम्स नेम हमने नहीं दिया, तो 0 1 2 3 4 सिमिलरली जितने भी कॉलम्स होंगे रिस्पेक्टिवली आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो इफ वी वांट टू गिव नेम्स, हमने लिख दिया कॉलम्स इक्वल्स टू, तो कॉलम्स अब कितना ले लेंगे, लेट्स से 4 कॉलम्स आ रहे हैं ना, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर लेते हैं, ठीक है।
तो df को चेक करेंगे तो we'll have 5x4 so you have 5 rows a b c d e and the 4 columns w x y and z ठीक है कोई डाउट है इस पे डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सर अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू करके नहीं लिखते और सीधा लिखते तो चलता क्या चलता है ये डेटा फ्रेम पूछ रहे हो मतलब हाँ जैसे हमने जब सीरीज कल लिखी थी तो उसमें हम लोग ऐसे लेबल्स इज इक्वल टू करके नहीं लिखते थे ना सीधा लिख देते थे हाँ देखो तुम ये बोल रहे हो ना तो कि अगर हम डायरेक्टली 5x4 लिखते और कुछ नहीं लिखते तो चलेगा हाँ चलेगा ऑब्वियसली क्योंकि आपने इंडेक्स नहीं सर हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे हमने लिखा ना इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी स्प्लिट हाँ अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू ना लिखे और सीधा ए बी सी डी स्प्लिट लिखे तो अच्छा सिर्फ ये बोल रहे हो कि पैरामीटर की जगह आप ऐसा दो हाँ जी तो डीएफ में क्या चेंजेस आएंगे ये बोल रहे हो तो देखो पैरामीटर्स मैंने पहले भी बताया कि आप पैरामीटर्स लिखते हो तो ठीक है नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट जैसा पैरामीटर सेट रखते हो वैसा आ जाएगा अच्छा ओके जो भी वैल्यूज रखोगे वो उस पैरामीटर पे सेट हो जाएगा ओके सर ओके ठीक है अगर लिख दे रहे हो तो और बेटर है नहीं लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ लेकिन गलत लिखोगे तो एरर आएगा अभी देखो यहाँ पे 4 है अब आप ऐसे रन करोगे तो बताएगा कि शेप पास किया 5x4 इंडेक्स अप्लाई 4x4 अच्छा ओके सर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आगे जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो देखेंगे तो प्रॉब्लम ना हो तो ये ऐसे क्रिएट हो जाता है फिर आप इंडेक्सिंग करते हो जैसे पहला दो देखना है तो पहला दो इस तरह से इंडेक्सिंग बहुत सिंपल है आगे देखेंगे इंडेक्सिंग को अभी क्लियर है सबको एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम क्रिएटिंग डेटा फ्रेम और इधर जितने भी टॉपिक्स लिखे कोई प्रॉब्लम है कॉलम्स लिखा इंडेक्स लिखा और हमने क्या किया डीएफ किया ठीक है अभी इसके बाद विल गो ऑन सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग तो विल लर्न द वेरियस मेथड्स टू रैप डेटा तो df से याद करो कल हमारे पास सीरीज था हाँ तो कल हमारे पास सीरीज था तो अगर एक सीरीज क्रिएट करे जैसे सिंपल सा pd डॉट सीरीज ऑफ रैंडम ऑफ 5 ऐसा क्रिएट कर दो ठीक है इसमें से इंडेक्सिंग मैं सेव कर दूं ठीक है अब मुझे बताओ कि अगर मुझे d एक्सेस करना हो d का एलिमेंट एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा अच्छा d का एलिमेंट मुझे देखना है कि d एलिमेंट पे वैल्यू कितना है सिर्फ d का क्या करूंगा यहाँ साइड में ऐसा करके d लिखूंगा ना जैसे नॉर्मली इंडेक्स करते हो 0 1 2 3 4 देते हो वैसे लिखोगे ना अच्छा इसका अगर इफ इट वुड हैव एनी नेम लाइक SER1 सीरीज 1 ठीक है तो इंडेक्सिंग कैसे करते सीरीज 1 ऑफ डी तो ऐसा लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो डेटा फ्रेम पे अगर जाए तो डेटा फ्रेम पे अगर जैसे मुझे मान लो कि मुझे कोई कॉलम देखना है ठीक है तो किसी कॉलम को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे सीरीज में इंडेक्सिंग और डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग में देयर इज अ डिफरेंस अब आप यहाँ पे जो लिख रहे हो डी लिखा आपने तो आपको रो वैल्यू मिल गया क्योंकि यू डोंट हैव कॉलम्स इन सीरीज है ना वन डायमेंशन डेटा है तो कॉलम्स नहीं है आपके पास आप डायरेक्टली डी लिख के फाइंड आउट कर लेते हो
लेकिन यहाँ पर यू हैव रोज इवन एंड यू हैव कॉलम्स राइट. तो यहाँ पर आप इफ यू आर राइटिंग इन डेटा फ्रेम दिस कोड सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ कॉलम और वो पर्टिकुलर कंप्लीट सीरीज फॉर्म होगा आपके पास उस पर्टिकुलर कॉलम का. सो टू ग्रैब कॉलम डेटा ठीक है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यू विल गेट इन सीरीज ठीक है. और आपको नेम भी आएगा कि कौन से कॉलम का वैल्यू आया है. तो जैसे आपने लिख दिया डीएफ का लेट्स से डीएफ के कॉलम्स क्या क्या हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो क्या दिख रहा है नेम इक्वल्स डब्ल्यू. कल हमने पढ़ा है नेम क्या होता है ना सिंपल डेटा टाइप फ्लोट आया और डब्ल्यू का जो वैल्यू है 2.17 से लेकर -1.03 तक ये आ गया. कोई डाउट है किसी को? नो सर. ओके सो इफ यू पास अ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स या आप बोल लो कि यू वांट टू ग्रैब मल्टीपल डेटा मल्टीपल डेटा या मल्टीपल कॉलम्स कर लो ज्यादा बेटर. मैं कॉल्स लिख दे रहा हूँ ठीक है. तो मल्टीपल कॉलम्स अभी जैसे डब्ल्यू हमने निकाला अब मुझे W भी चाहिए और Z भी देखना है. X, Y नहीं देखना है सिर्फ W देखना है और Z देखना है. तो क्या करेंगे सेम है ऐसा करेंगे W और ऐसा करेंगे Z. अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप यहाँ पे क्या देखा आपने कि आपको क्या मिल रहा है एक सीरीज मिल रहा है ना. तो हमको सीरीज तो चाहिए नहीं हमको तो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट चाहिए डेटा फ्रेम वैल्यू चाहिए. अब इसको रन करोगे तो आएगा एक एरर. क्या एरर आएगा एरर पढ़ो पहले. तो की एरर दिखा रहा है डब्ल्यू सेट. तो ऐसा एरर कभी भी दिखे तो समझ जाना कि डायमेंशन प्रॉब्लम है आपका ठीक है. तो वन डायमेंशन है पर्टिकुलरली आपको दो वैल्यूज चाहिए तो आप यहाँ पर डायमेंशन करके रन करो आपको आ जाएगा. डायमेंशन इंक्रीज कर दो उसका मिल जाएगा वैल्यू. जब भी आपको आप जो भी पास करते हो पैरामीटर और वही एरर दिखाए एकदम सेम तो डायमेंशन एरर होता है ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि लंबा सा कोड लिखे हो आप एकदम और लास्ट में एरर मिल गया कोड से भी लंबा तो पढ़ते नहीं और पैनिक हो जाते. तो ये अगर इस काइंड का एरर आए ना तो आप डायमेंशन चेंज करना तुरंत वैल्यूज मिल जाएंगी. तो समझ में आया W और Z देखना हो तो कैसे आप देखोगे कोई भी पर्टिकुलर कॉलम्स एक रेस्पेक्टिवली और दूसरे कॉलम्स भी देखने हो या इसके बाद मुझे ऐसे भी देखने हो कि मैं ऐसा कर दूँ W जो भी है DF का DF ऑफ W प्लस DF ऑफ Z. अभी कौन सा एरर आया सीरीज और म्यूचुअल दस दे नॉट बी एस्ट. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. डब्ल्यू सेट फॉर्म नहीं है ना इसमें ठीक है पास कर देते हैं. तो अभी ऐड जैसे करना है कॉलम देखते हैं इसको आगे. अच्छा एसक्यूएल में आपने पढ़ा होगा एकदम सिंपल सा यही सिंटेक्स है ना एसक्यूएल में कि आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम देखना हो तो डी एफ डॉट डब्ल्यू कर दो. अगर W कॉलम देख रहे तो डी एफ डॉट डब्ल्यू करो तो भी आपको वैल्यू आएगा. तो इसको हम कहते हैं SQL syntax. कोई पढ़ा होगा SQL तो आपको पता होगा लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करते कि हर बार ऐसे ही लिखते जाए बट आप लिख सकते हो ठीक है. सो डेटा फ्रेम कॉलम्स आर जस्ट सीरीज और कुछ नहीं है. आप अगर देखोगे ये नोट करने की चीज़ है कि डेटा फ्रेम कॉलम्स आर जस्ट सीरीज नथिंग एल्स. इसलिए कल हमने सीरीज पढ़ा था. तो अगर आप चेक करोगे कि टाइप ऑफ डी एफ ऑफ कोई एक जैसे हम डब्ल्यू को एक्सप्लोर कर लेते तो पैंडा स्कोर सीरीज मिलेगा आपको. तो कैसे क्रिएट करते हैं न्यू कॉलम्स चेक करते हैं.
मान लो हमारे पास df है और एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है न्यू। अभी जो मैंने किया था df ऑफ w ले लिया, कुछ वैल्यूज नहीं दे रहे, उसी वैल्यूज को क्या करेंगे सीरीज, और कल हमने पढ़ा है कि सीरीज में एडिशंस भी कर सकते हैं है ना, तो क्या ऐड कर देते हैं वैल्यूज df ऑफ w और y को ऐड कर दे रहे, तो df ऑफ न्यू आपको फॉर्म होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो df ऑफ न्यू के वैल्यूज को चेक करेंगे, या सिर्फ df ऑफ, अभी df को देखोगे तो आपको दिखेगा एक न्यू कॉलम यहां पर जो कि वैल्यूज हैं किसके, w और y के एडिशंस। ठीक है, तो वैल्यूज आपको मिल गया, समझ आया। फिर किसी भी वैल्यू को आपको रिमूव करना हो, पहले हम सारी चीजें देख लेते हैं फिर उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे विद डेटा सेट्स। पहले सारे फंक्शन समझ जाते हैं फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे डेटा सेट। तो किसी भी कॉलम को रिमूव करना हो, अगेन विद एक्सेस आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो यू हैव फंक्शन ऑफ ड्रॉपिंग, तो ड्रॉप कॉलम या ड्रॉप रो जो भी है। तो लेट्स से आपको न्यू कॉलम हटाना है, आपने लिख दिया न्यू और एक्सेस आपने एकदम पर्टिकुलरली डिफाइन किया कि आपको हटाना है, तो आपने सिर्फ लिखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हट गया। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि सर ये तो हट गया, डी एफ डॉट ड्रॉप न्यू एक्सेस इक्वल्स जीरो। अब डी एफ हमने रन किया तो हमको पता चल रहा है सर ये वापस से आ गया, तो ये तो हटा नहीं ना, तो क्या हुआ ये, ये दिस शोज जस्ट अ प्रिंट दैट इफ यू रन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ड्रॉप एंड यू राइट इवन द एक्सेस, इट विल शो यू दैट व्हाट हैज बीन ड्रॉप्ड। सो आफ्टर ड्रॉपिंग दैट पर्टिकुलर कॉलम और रो और व्हाटएवर द वैल्यू यू पास, आफ्टर ड्रॉपिंग व्हाट विल बी द आउटपुट और हाउ योर आउटपुट विल लुक, ये आपको बताएगा ड्रॉप। इट विल नॉट चेंज एनी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू चेंज कराने हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कमेंट लिख देता हूँ कि इट विल नॉट चेंज अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, ने कुछ लिखा क्या इधर, सर यू आर ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल, ऑडिबल ऑडिबल सर, सॉरी नॉट लिख मी म्यूट यू कैन शेयर, इट्स फाइन नाउ, इसको रिजॉइन करने के लिए। चलो ये तो कहीं अपने आप करेगी, कहाँ थे हम, किधर गए, हाँ। तो जब तक आप इन प्लेस डिफाइन नहीं करोगे इट वोंट वर्क, मतलब ओरिजिनल डेटा आपका चेंज नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल डेटा पे चेंज होना चाहिए तो आपको इन प्लेस डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे, उसी df में एक पैरामीटर होता है df डॉट ड्रॉप के अंदर एक फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन का पैरामीटर है कि आपने दे दिया कि कौन सा कॉलम रिमूव करना है, एक्सेस भी आपने डिफाइन कर दिया कि किस एक्सेस से आपको रिमूव करना है, इसके बाद आप इन प्लेस डिफाइन करोगे इक्वल्स टू, आपने इन प्लेस डिफाइन कर दिया, यस हाँ। तो अब ये कुछ आउटपुट शो नहीं करेगा, अभी वॉट इट हैज डन, इट हैज परफॉर्म्ड एज ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। युगांशी आवाज आ रही है अभी, ओके। तो अभी आप df को चेक करोगे, किधर गया, अभी आप df चेक करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू w x y z जो प्रीवियस वैल्यू था। ठीक है, कोई डाउट्स, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप रोज। अच्छा, रोज ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, जस्ट चेंजिंग दी एक्सेस वैल्यू है ना, अरे वही करेंगे ना, df डॉट ड्रॉप लिखा और मान लो क्या e रिमूव करना या d रिमूव करना, तो d को रिमूव करना मान लो, तो ऐसा लिखा x इज इक्वल्स टू जीरो, तो d तो गया है,
कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इन प्लेस का क्या मीनिंग था? इन प्लेस का मीनिंग ये है कि आप इफ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखते हो तो आपका ओरिजिनल डेटा से भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो कॉलम्स का इंडेक्सिंग हमने देख लिया कि कॉलम्स के इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो रोज के इंडेक्सिंग को कैसे करेंगे? अगर हमको रोज सिलेक्ट करना हो तो रोज कैसे सिलेक्ट करेंगे? रोज सिलेक्ट करने के लिए यू हैव फोर ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। एक आपका लॉक यूज होता है, एक आई लॉक यूज होता है, एक एट यूज होता है और एक आई एट यूज होता है। ठीक है, आई लॉक और ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ऐड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। चलो, तो एक हो गया लोकेट करना, दूसरा इंडेक्स लोकेशंस होता है। ठीक है, इंडेक्स लोकेशंस देखेंगे क्या होता है। ऑफ बेस पोजीशंस आप निकालते हो, तो लेट्स से कि मुझे वी रो देखना है, बी। ओके, इसमें से अभी कम्प्लीटली डी रिमूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने इन प्लेस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर लिख देता हूँ इन प्लेस तो ये भी चेंज हो जाएगा। देखो, आपके पास इन से कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ड्रॉप फंक्शन में? इनपुट, इंटीजर, इन प्लेस और इंडेक्स। ठीक है, तो इन प्लेस पे हमने लिख दिया ट्रू और डीएफ को चेक कर लेंगे। हाँ, तो डीएफ देखो अब आपका रिमूव हो गया। सर अगर इन प्लेस की जगह इनपुट लिखते तो उससे क्या होता है? इन प्लेस की जगह इनपुट, अरे इनपुट अगर आप कोई लेकर बना रहे हो पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर पे जैसे आप कई बार डेटा फ्रेम ऐसे होता है कि यार बोल लो कि ऐसे बताऊं आपको कि जो यूनिट लूप्स में बनते हैं ना, जो लूप्स में बनते हैं ना, जैसे डेटा फ्रेम जिस पे आप इनपुट देते हो तो एक-एक करके वैल्यू ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे बैंकिंग सेक्टर में ले लो, बैंकिंग सेक्टर में आपका जो डेटा फ्रेम क्रिएट होता है वो आपके थ्रू होता है, वो पहले से नहीं होता ना, उस पे आप इनपुट करते हो जो भी वो जाके वहां पर प्लेस होता है। अच्छा, ओके, तो इनपुट जो भी है लिया है आपने वो देना पड़ता है कि इनपुट ट्रू है तो इनपुट का जो भी वैल्यू है वो ऐड। ओके सर, ठीक। तो df डॉट लोकेट करेंगे, किसको लोकेट करना है? अच्छा, लोकेट करने के बाद आपको किसको लोकेट करना है? जैसे रो लोकेट करना, तो a लिख दिया आपने, तो अभी जो वैल्यू होगा फिर से आपको सीरीज ही मिलने वाला है लेकिन सिर्फ रोज के वैल्यू मिलेंगे। इससे पहले क्या मिला था? कॉलम्स का वैल्यू मिला। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, लॉक लिखोगे तो रोज का वैल्यूज मिलेगा और नहीं लिखोगे तो सिर्फ कॉलम्स के वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और अगर डायमेंशन में देखना है, टू डायमेंशन में देखना है, जैसे कि हमने यहां देखा था, तो कभी भी कोई भी टू डायमेंशन में देखना हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं लेना। आगे डेटा सेट पे जब यूज करेंगे कि सर हम यूज कर रहे तो ऐसा डबल क्यू लिखा हुआ है, एक को ऐसे क्यों लिखे, तो ऐसा लिखने से क्या आता है कि हर कॉलम के साथ रेस्पेक्टिवली वैल्यूज मिलेंगे मुझे डेटा फ्रेम में। जब डेटा फ्रेम में मुझे वैल्यूज चाहिए होंगी तो मैं 2D में लिखूंगा, मुझे सीरीज में चाहिए होंगी तो मैं सिंगल एक 1D में लिखूंगा। किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? चलो, अब मुझे बताओ ए का इंडेक्स नंबर क्या है, बताओ जल्दी। ए का इंडेक्स नंबर क्या है?
जीरो, तो df डॉट इंडेक्स लोकेशन में मैं लिख दूं जीरो, तो ये लोकेट हो गया वापस से, देख लो वैल्यूज। अच्छा मैं डबल डायमेंशन में भी लिख देता हूँ, df डॉट आई लोकेट जीरो। सर अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो की पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू चाहिए तो हम df डॉट आई लोकेट से ही करेंगे ना, फिर उसे भी पर्टिकुलर रो के पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू। हाँ जैसे ए का ही जो ए रो है उसका डब्लू कॉलम का जो वैल्यू है वो चाहिए, तो उसमें फिर वैसे ही करना ना जीरो जीरो। हाँ आप उसको आई लॉग भी यूज कर सकते हो, लॉग भी यूज कर सकते हो। ओके सर, अभी उसी पे आ रहा था। चलो तो उसको कहते हैं सिलेक्टिंग सबसेट्स, सबसेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो df में से आपको क्या बोला आपने, a और a का w चाहिए ना, तो df डॉट लोकेट किया, a का क्या चाहिए w, ये रन किया वैल्यू मिल गया। इधर आपको कम वैल्यू दिख रहा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि रैंडम का वैल्यू ऑब्वियसली इतना ही बड़ा होता है, ठीक है, इतना छोटा सा आता नहीं है, तो वो तो आपको एडजस्ट, अगर फिर एडजस्ट करना हो तो कल मैंने बताया था सेट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिल गया एक डब्लू, अब इसको ऐसे एक्सेस करना है डबल डायमेंशन में। अच्छा मुझे एक काम करना, तो इधर मैं आई लॉक भी लिख देता हूँ साथ में, तो आई लॉक में क्या लिखूँ बताओ, जीरो का जीरो है, कोई दिक्कत? नो सर। ये लिखा डब्लू, अरे एक इसको क्या हो गया, पासिंग लिस्ट लाइक लोकेशंस और अच्छा ठीक, एक मिनट, ऐसा लिखना पड़ेगा है ना। इसके अंदर आप डबल डायमेंशन नहीं लगा सकते, मतलब आप कॉमा दे दो कि ये सारे रोज होने चाहिए और ये सारे कॉलम्स होने चाहिए। अब वो सारे जितने भी चाहिए आपको आप लिख सकते हो, आपको ए चाहिए और बी चाहिए तो आप ए और बी दे दो, और डब्लू के रेस्पेक्टिवली चाहिए तो डब्लू लगा दो, सिर्फ समझ आई बात। अरे बात समझ नहीं, कोई दिक्कत? डब्लू के साथ जेड चाहिए तो आप जेड लगा दो इधर, देखो इसको समझ लाओ एकदम अच्छे से, क्योंकि बाद में फिर डेटा सेट्स में फिर पूछना नहीं सर ये कहाँ से आया, लॉग आई लॉग में फिर बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। इतना ठीक है ना, आगे फिर अभी कंडीशनल सिलेक्शंस करूँगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, देख लो एक बार। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर लॉग में हम जो मतलब ये जो हमने लेबल्स वाले जो दिए हैं इंडेक्स नंबर वो करेंगे, और आईलॉग में हम ओनली जो न्यूमेरिकल इंडेक्स वैल्यूज है वो यूज करेंगे। हां एकदम, आईलॉग में एडब्ल्यू और ये सब ही रन करेगा? नहीं नहीं रन करेगा, वो सिर्फ इंडेक्स नंबर रन करता है। ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल याद करो, हमने नंपाई में पढ़ा है बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ा है ना, अभी उसी को बस थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कंडीशनल सिलेक्शन पर। तो कंडीशनल सिलेक्शन को हम कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पैंडास इज सी एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंडीशनल सिलेक्शन को यूजिंग ब्रैकेट्स विद बूलियन वैल्यूज।
एंड इज वेरी सिमिलर टू नंबर के साइज में. तो df हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा, तो d को छोड़ के यू हैव a b c e एंड w x y z. अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे चेक करूँ df greater than 0 तो मुझे मिलेगा true false कुछ बात ही, जैसा numpy में दिखा था आपको याद होगा. तो फिर मैंने कहा था कि अगर मुझे double dimension में देखना हो, अच्छा numpy में हाँ. numpy का एक form करता हूँ array, चलो np dot n array, ठीक है ना. हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो ये एक एरे फॉर्म हुआ. अब इसमें मैंने कहा था कि ए आर आर ग्रेटर देन 3 कहाँ कहाँ है, तो क्या मिला? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसे ही मिला था ना सेम, यही आपको यहाँ पे भी मिल रहा है बस डेटा फ्रेम फॉर्मेट में. अब मुझे इसमें देखना था कि 3 से एग्जैक्टली कौन कौन से पढ़े, तो क्या कर रहा था मैं, ऐसा कुछ याद है? तो वैल्यूज मिले ना कि सिर्फ 4 और 5 है जो 3 से ग्रेटर है यहाँ, और 3 से लेस कौन कौन से है फिर, तो ये मिल रहा था. या इसके बाहर आप लगा रहे थे नेगेशन, और नेगेशन लगा रहे थे तो आपको लेस देन 3 करके फिर वैल्यूज मिल जा रहे थे, है ना? ऐसा लिखो तो -1 -6 है, चलो -6 और -2 आ रहा है. यही सेम आपको यहाँ भी ऑपरेट करना है कि अगर आपको सारे वैल्यूज देखने हैं डबल डायमेंशन में, तो df के अंदर आप लिखोगे df greater than 0, तो आपको मिलेगा कि हाँ ये सारे वैल्यूज हैं, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज आए हैं आपके पास बाकी सब नैन है. तो नैन वैल्यूज क्या बता रहे कि वो सब ग्रेटर देन 0 नहीं है, सॉरी लेस देन 0 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक पर्टिकुलर रो पे देखना हो, ठीक है, आगे डेटा सेट्स पे ऐसे काम आएंगे कि आपको किसी एक रो का वैल्यू या किसी एक रो के एक कॉलम का पर्टिकुलर वैल्यू उस पर भी बूलियन इंडेक्सिंग लगाना पड़े. तो df के अंदर अगर मुझे सिर्फ w का चेक करना है कि w पे कौन कौन से वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा चेक करूंगा w, या मुझे चेक करना है कि c पे क्या क्या है, तो c w कॉलम पे कितने वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हैं. अच्छे मैंने कैसे किया ऐसा और ऐसा रन कर दिया, तो w पे ये सारे वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन 0, ऐसा दिखा रहा है. क्या आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 पे? हाँ तो मैन के लिए एक मिनट रैंडम एक्सीड कर रहे हैं. सर ये तो रो वाइज दिखा रहा है ना? नहीं एक मिनट, ए का वैल्यू बता रहा है क्या? ए के अकॉर्डिंग बता रहा है ना, तो w से ग्रेटर देन 0 तो ये दो है बस, तो बाकी दो तो यहाँ पे नैन दिखा रहा था, तो इधर प्रिंट क्यों कर रहा है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही आ रहा है. अभी इसके कंपेरेटिवली अगर किसी कॉलम्स के साथ में देखना है, डब्ल्यू या एक्स कॉलम, डब्ल्यू या एक्स कॉलम के साथ में देखना है आपको, तो आप ऐसा लगाओगे डब्ल्यू और एक्स, तो ऐसा वैल्यूज आएगा. ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इंडेक्सिंग में, इसलिए उस वक्त बोला था कि ध्यान से देखना है. तो मान लो अगर डब्ल्यू के साथ में देख रहा हूँ वापस से विथ वन पर्टिकुलर कॉलम ग्रेटर देन 0 और एक कॉलम के रेस्पेक्टिवली देखना है, तो इस तरह से कुछ दिखेगा, एक सीरीज फॉर्म आपको मिलेगा. ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो भी आपको वैल्यूज पता चलेगी, नैन वैल्यू नहीं देगा. जब आपको सीरीज में वैल्यूज मिल रही है तो वो आपको नैन नहीं दिया जाएगा. सर आप ये w ग्रेटर देन 0 से निकालना क्या चाहते हैं हम इसमें, कि जो w में जितनी भी वैल्यूज है w कॉलम में वो सब क्या है, मतलब क्या समझ नहीं आया मुझे. एक सेकेंड, ये w ग्रेटर देन 0 -8.2 है. हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, -8.0.82 ठीक है, तो y के रेस्पेक्टिवली तो सही आ रहा है. हाँ
देखो ये डीएफ ये पूछ रहे हो क्या कि ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है हाँ ये? मतलब ये करा क्या है डेटा फ्रेम के जो w ग्रेटर देन 0 ये समझ नहीं हाँ आया मुझे सिर्फ हाँ w ग्रेटर देन 0 ठीक है, तो df ऑफ w क्या आ रहा है मुझे पहले बताओ, ये क्या दे रहा है आपको? कॉलम के वैल्यूज दे रहा है ना, w कॉलम के वैल्यूज दे रहा है। यस सर तो इसके इक्वल इक्वल्स टू अगर 0 लिखूं तो क्या बताएगा कि सारे के सारे फॉल्स हैं। तो लेस देन हाँ 0 क्या आएंगे, सिर्फ नीचे के 3 ट्रू हैं। ठीक है, अब उन तीन को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ऐसा कर दिया तो वो तीन मुझे मिल जाएंगे वैल्यूज के, वो नीचे के तीन क्या क्या वैल्यूज थे लेस देन जीरो के, है ना? लेस ओके हाँ है ना, ये जो माइनस माइनस दिख रहा है आपको ठीक ये ऐसा, अगर ग्रेटर देन जीरो लिखा है तो डब्ल्यू के ग्रेटर देन जीरो में जो वैल्यूज हैं वो मिल गया। अब इस वैल्यूज के रेस्पेक्ट में अगर मैंने वाई लिखा है तो वो वाई के साथ कंपेयर करके W कॉलम में और जो भी वैल्यूज आएंगे वो Y कॉलम के रेस्पेक्टिवली में कौन से ग्रेटर हैं, फिर आपको वैल्यूज बताया जाएगा। एक बार DF आप चेक करो, वो वैल्यू जो है आपको समझ में आएगा। ये देखो ये DF है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा कि W कहाँ गया वो, किधर कौन सा सेल है भाई, हाँ 59, DF ऑफ W ग्रेटर देन 0, तो कौन कौन से वैल्यूज आने चाहिए, इधर के वैल्यूज आने चाहिए। ठीक है, इधर के वैल्यूज आए, अरे समझ में आ रहा है, तो डी एफ ऑफ डब्ल्यू के वैल्यूज आ गए ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये जो जो भी फॉर्म हो रहा है डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम फॉर्म होगा ना, उस डेटा फ्रेम पे फिर आपने क्या किया, ग्रेटर देन या सॉरी ग्रेटर देन नहीं, उस पे वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वो आपने निकाल लिया। तो बताओ डब्ल्यू का ग्रेटर देन 0 कहाँ है, ए पे है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू आपने वाई के रेस्पेक्टिवली लिया तो वाई का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0.828661। अरे कोई डाउट है क्या, नहीं सर समझ आ गया, है ना? तो यहाँ पे आया ये वाई का वैल्यू। हाँ चलो नेक्स्ट थिंग, अभी थोड़ा प्रॉब्लम करें। हाँ बोलो, बाय के में मतलब बाय से कंपेयर, हाँ जो भी आपका वैल्यू आया ए पे ना, जैसे रुको मैं दोबारा से, एक मिनट रुको, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं किसी डेटा सेट को लेकर आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ आएगा। किधर है डाउनलोड्स में देखते हैं। अच्छा आपको जो दिया था वो चीट शीट उसको खोलना है एक बार, तो ये रहा मुझे मिल गया, मैं इसमें से लेकर आता हूँ। इधर है, इधर कोई सिंपल सा दिया है क्या डेटा फ्रेम, देखने दो तो, स्टैक अनस्टैक दे के रखा है, पाइवोट टेबल का है, नहीं, ये क्या है, अच्छा कंट्री डेटा पॉपुलेशन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, ये डेटा मिला मुझे उधर ही से लिया हूँ, ठीक है df ddf कर देता हूँ या df1 कर देता हूँ, तो pd डॉट डेटा फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा ये बनेगा, तो df1 आपको मिल गया अभी ये। ठीक है, अब इसमें बताओ मुझे इंडिया चेक करना है या पॉपुलेशन, अगर मैं बोलूँ कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन 0, अच्छा ऐसा चेक कर लो कि df ऑफ पॉपुलेशन, अरे नहीं डी एफ में तो है ही नहीं, डी एफ वन ऑफ पॉपुलेशन ठीक है ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, ये लिख दिया मैंने, तो क्या मिला, फॉल्स ट्रू ट्रू, उस पर्टिकुलर कॉलम के दो वैल्यूज हैं नीचे के जो ट्रू हैं उससे बड़े हैं, सिंपल है। ठीक है, अभी इसी पे df1 मैंने लगा दिया, और रन किया तो क्या दिख रहा है आपको वैल्यू, देखो वहां पे नंबर है ना आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, इधर देखो समझ में आएगा,
क्या समझ में आया कि जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो आपको मिल गए? अरे कोई दिक्कत? इसके बाद आपने यहाँ लिख दिया कैपिटल, तो सिर्फ कैपिटल के वैल्यूज मिलेंगे आपको। किसका डाउट था? हाँ। वो वाई वाला क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ? हाँ। है ना, ये इसलिए मैंने कहा उधर थोड़ा सा नंबर्स नंबर्स है ना, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो ये आपको ऐसे वैल्यूज मिल जाते। चलो अभी हाँ बोलो, आपने जो ये डेटा लिया है इसको आप एक बार उसमें भेज दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ भेज रहा हूँ। ये तो आपको जो चीट शीट दिया गया ना उसी में शायद दो बार मिला नहीं सर, बिल्कुल भी क्या तब भी नहीं मिला। अरे अब आपके उसमें नहीं है क्या, क्लासरूम में नहीं है ये? सर क्लासरूम में शायद दूसरी वाली चीट शीट खोली है मैंने। इतना ऑरेंज कलर का होगा, देख लो भाई किसके किसके पास नहीं, एक बार चेक कर लेना। नहीं है तो ऐसे मैंने डाला। ओके चलो, इसके बाद अगर दो कंडीशंस यूज करने हैं, एंड पैरामीटर और पैरामीटर पढ़ा है ना आपने, ये वाला एंड एंड और पढ़ा होगा है ना, उसका यूज करते हैं। चलो तो अगर मैं लिखूं कि फॉर for two conditions you can use this and this parameters with parentheses। कैसे देखते हैं। अच्छा df पे गया मैं वापस, df में सिर्फ df of w greater than zero, ठीक है, df of w greater than 0। अभी मुझे क्या करना है, इधर को इसको टपल में रखना है, ठीक है, आगे पैरामीटर्स पे देखेंगे क्या है ये, और df of y का वैल्यू greater than 1 चेक करूंगा और इसे भी टपल पे रखूंगा। तो दो टपल के वैल्यूज याद करो, और कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं ना, दो वैल्यूज लगाकर रन करेंगे तो वैल्यूज मिल गए। तो df ऑफ w के जो भी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 एंड df ऑफ y के जो भी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और उसके a के रेस्पेक्टिवली जो भी वैल्यूज थे आपको मिल गए। तो a कॉलम को देखो 009130-1.4 ये वैल्यूज आ गया पहला वाला। अब इसको नहीं रखोगे, कन्फ्यूजन हो रहा है किसी को, हाँ या ना बोलना पहले, तो 90% लग रहा है आप कन्फ्यूज हो गए। df1 पे करके दिखा देता हूँ, नहीं तो पक्का कंफ्यूज। df1 से अगर मैं ले लूँ w की जगह कंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, चलो कंट्री पे अच्छा इधर तो ग्रेटर देन जीरो नहीं ले सकते, चलो पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन ग्रेटर देन ये, अरे नहीं क्या था वो, ऐसा रखा था ना, ऐसा पेस्ट किया, चलो ये ठीक है, और अभी इधर क्या रखोगे, चलो एक लेस देन डाल देते हैं, लेस देन दिस, ठीक है, एंड लगाना था, और लगाना, देखो और रखा आपने तो क्या मिला आपको, सारे और में क्या होता है बताओ मुझे, और में एक भी साइड करेक्ट होता है तो आपको वैल्यूज मिल जाती हैं सारे, और एंड में दोनों साइड भी करेक्ट होने चाहिए। तो देखो एंड लगाया तो क्या हो गया कि ये ग्रेटर भी होना चाहिए और इससे लेस भी होना चाहिए, तो कौन से वैल्यूज हैं, वो सिर्फ ब्राज़ील में आ रहा है 2078 करके कुछ, समझ आ रही बात। इधर और लगा, इधर भी एंड लगा दे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई वैल्यूज है ही नहीं जो W से ग्रेटर है और Y में भी 1 से ग्रेटर है, समझ में आ रही बात। यस सर। इधर और लगाया तो रन होके आ जाएगा वैल्यू, इधर और लगा देंगे तो सब मिल जाएगा, है ना,
और इधर एंड लगाया तो जो वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली वही। कई बार क्या होता है डेटा सेट में आप सर्च करें, मान लो नेटफ्लिक्स डेटा सेट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स के डेटा सेट में आपने देखा कि इधर लेफ्ट साइड में सारे चिल्ड्रन के एपिसोड्स हैं और राइट साइड में कुछ ईयर्स दिए गए, तो सिर्फ 2018 ईयर में कितने चिल्ड्रन के एपिसोड्स हैं कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखोगे कि हाँ एपिसोड या जो भी है पर्टिकुलर कॉलम का नाम, कॉलम इक्वल्स इक्वल्स टू चाइल्ड आप डाल दोगे जो भी वहाँ पे दिया रहेगा, एक्सप्लोर करेंगे तब देखेंगे। एंड यहाँ पे करोगे कि बाय ईयर इक्वल्स टू या इक्वल इक्वल्स टू 2018 या 19 जो भी है, समझ आई बात। तो आपको एक पर्टिकुलर डेटा सेट फॉर्म होकर मिलेगा, हाँ इतने 2018 पर आए हैं, समझ में आई। यस अब आगे का इंडेक्सिंग कर देखेंगे, और इंडेक्स जैसे होते हैं ना तो रीसेट कैसे करते हैं इंडेक्स, ये सब कल देखेंगे, कल आगे का इंडेक्सिंग अब कल, ठीक है। इतना आप एक बार रिवाइज कर लो, नहीं तो सब बाउंस